बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम। आज हम इंग्लिश बुक टू के चैप्टर नंबर वन द डाइंग सन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें राइटर जो है वो हमें स्टार्स और स्टार के सूर्य के साथ टकराव और किस तरह से ज़मीन का वजूद हुआ उसके बारे में बता रहा है। इसमें जो है राइटर जो है वो कुछ इवेंट्स के बारे में बात कर रहा है। हमारी ज़िंदगी में कुछ भी रोनमा होता है, इवेंट्स होते हैं, उनके पीछे कोई रीज़न होती है, कोई रिजल्ट्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो सारे के सारे जो है वो ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। सर जेम्स जेन्स इस स्टोरी के राइटर हैं। सर जेम्स जेन्स जो कि राइटर भी हैं और बेसिकली वो एस्ट्रोनॉमर भी हैं। एस्ट्रोनॉमर होने की वजह से उन्होंने इस लेसन का ये टॉपिक सिलेक्ट किया कि एक्चुअली ये जिंदगी, ये ज़मीन वजूद में आई कैसे। तो वो सर जेम्स जेन्स ये कह रहे हैं कि इवेंट अकर हुआ, इवेंट टुक प्लेस, एन इवेंट टुक प्लेस जहाँ पर एक सितारा गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आ गया। अब सितारों के बारे में सर जेम्स जेन्स कहते हैं बहुत कम ऐसा होता है कि सितारे जो हैं वो सूरज के करीब जाते हैं। इवन सितारे आपस में भी एक दूसरे के करीब बहुत रेयर चांसेस में करीब जाते हैं। उसके रिजल्ट में क्या हुआ, इस इवेंट का रिजल्ट क्या हुआ कि अकरेंस ऑफ माउंटेन ऑन द सर्फेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर एक माउंटेन, एक पहाड़ उभार रूनमा हुआ जिसे टाइडल पुल भी कहते हैं। सर जेम्स जेन्स उसे टाइडल पुल का नाम देते हैं। कहते हैं कि ये जैसे जैसे सूरज के करीब सितारा जाता गया, बढ़ता गया, वो ये टाइडल पुल जो है वो उस पर जो है वो वेव्स उभरना शुरू हुई। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि द स्टार मूव्स अवे फ्रॉम द सन, कुछ वक्त के बाद सितारा खुद ब खुद जो है वो सूरज से दूर हटने लगा, परे हटने लगा। अब इसका भी रिज़ल्ट आया सामने। इसका रिज़ल्ट क्या आया, ये जो टाइडल पुल बनी थी सूरज की सरफेस के ऊपर वो टुकड़े टुकड़े हो गई। द माउंटेन वेव टोर इनटू पीसेस, ये सारे टुकड़ों में बट गए। अब इन टुकड़ों के साथ सर जेम्स जेन्स कह रहे हैं क्या हुआ, ये टुकड़े जो सूरज की सतह से अलहदा हुए थे, जिसे सूरज ने अपने आप से अलहदा किया था, ये टुकड़े उसने खला में फेंक दिए। खला में फेंके तो उनको, उन इन टुकड़ों को सर जेम्स जेन्स प्लैनेट्स का नाम देते हैं। प्लैनेट्स क्या हैं, वो सारे के सारे, ये सारे के सारे टुकड़े जो आहिस्ता आहिस्ता सूरज से अलग होने के बाद सूरज के गिर्द गर्दिश करने लगे, इनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। प्लैनेट क्योंकि ये सूरज का हिस्सा थे तो गर्म थे, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा गर्म थे, इतने गर्म थे कि इन पर ज़िंदगी का रोनमा होना एक मौजज़ा कहलाया जा सकता था। इसके बाद इन प्लैनेट्स को मज़ीद आगे डिस्कस करने से पहले सर जेम्स जेन्स हमें बता रहे हैं कि साइज़ ऑफ प्लैनेट है क्या। साइज़ ऑफ प्लैनेट ये एक डायग्राम है जिससे हम ये जाहिर कर सकते हैं कि प्लैनेट्स का साइज क्या है। ये स्टार है, यानी स्टार का साइज ज़मीन के साइज से कई गुना बड़ा है। तो प्लैनेट्स तो बहुत छोटे छोटे थे, सितारे बहुत बड़े बड़े थे। अब इन प्लैनेट्स पर ज़िंदगी का वजूद कैसे हुआ, सितारों की बात करें, सितारे काउंटलेस हैं, बेशुमार हैं। अब वो जहाँ पर सितारों की इस दुनिया को हम गैलेक्सी वर्ड का नाम देते हैं, गैलेक्सी जहाँ पर बेशुमार शाइनिंग स्टार्स मौजूद होते हैं। लेकिन सर जेम्स जेन्स ये भी कह रहे हैं कि इन स्टार्स पर ज़िंदगी का वजूद बिल्कुल भी नहीं है, देर इज़ नो लाइफ ऑन द स्टार्स। फिर सर जेम्स जेन्स अब प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्लैनेट्स में स्पेसिफाई कर रहे हैं वो अर्थ को, ज़मीन के, ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद कैसे आया, लाइफ ऑन अर्थ कैसे वजूद में आई। कुछ सितारे ऐसे थे, सियारे ऐसे थे, प्लैनेट्स ऐसे थे जो बहुत गर्म थे, इतने गर्म थे कि अगर उन पर ज़िंदगी वजूद में आ भी जाती तो वो यकीनी तौर पर जल जाती, लाइफ विल बर्न,
ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, जल जाती। और कुछ सियारे ऐसे थे जो इतने शदीद सर्द थे कि अगर उन पर ज़िंदगी का वजूद होता तो वो वहाँ पर ज़िंदगी जो है वो फ्रीज़ हो जाती, लाइफ विल फ्रीज़, जम जाती। अब ज़िंदगी का वजूद कहाँ पर हो सकता है? लिक्विड स्टेट में। हर चीज़ का वजूद जहाँ भी होता है, बहुत सारे साइंसदानों ने जो है वो इस पर तजर्बात किए कि ज़िंदगी जो है वो हमेशा लिक्विड स्टेट में ही जन्म लेती है। तो इनको टेम्परेचर बेल्ट्स का नाम दे रहे हैं सर जेम्स जीन्स। टेम्परेचर बेल्ट्स के कुछ सियारे बहुत शदीद सर्द हैं और कुछ सियारे जो हैं वो इमेंसली हॉट हैं, बहुत शदीद गर्म हैं। तो लाइफ की एग्जिस्टेंस कहाँ हुई? लाइफ की एग्जिस्टेंस नैरो बेल्ट्स में हुई, यानी वहाँ पर जहाँ टेम्परेचर वक्त के साथ साथ मॉडरेट हो गया, मोतदल हो गया, ना वो बहुत सर्द था ना वो बहुत ज़्यादा गर्म था। टेम्परेचर वुड नॉट टू हॉट एंड वुड नॉट टू कोल्ड, वहाँ पर जो है वो ज़िंदगी वजूद में आएगी। अब लाइफ तो अर्थ पर रोनमा हो गई, ज़मीन पर पता चल गया कि ज़मीन का टेम्परेचर मॉडरेट है तो यहाँ पर ज़िंदगी का वजूद हो सकता है। तो ज़िंदगी का वजूद हुआ कैसे? स्टार्ट ऑफ लाइफ क्या था? स्टार्ट ऑफ लाइफ बड़ा सिंपल था, छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसका आगाज़ हुआ और ये आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बढ़ता बढ़ता कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ की तरफ चलता गया। और सर जेम्स जीन्स कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन सी है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म आज का इंसान है। वी द ह्यूमन बींग्स आर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। ये हमारी स्टार्ट ऑफ लाइफ है। अब इस सारे चीज़ को देखें स्टूडेंट्स, तो हम इनमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर सकते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में एंड पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें से पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपेंड व्हेन वांडरिंग स्टार केम नियर द सन। आप इसका आंसर दे सकते हैं कैसे? व्हाट हैपेंड व्हेन वांडरिंग स्टार केम नियर द सन, व्हेन द स्टार केम नियर द सन देयर अकर्ड अ माउंटेन ऑन द सरफेस ऑफ द सन। दैट्स इट। Then, what are the planets and how do they come into existence? Planets क्या हैं और ये किस तरह से वजूद में है? Planets are the pieces thrown out from the surface of the sun. वो pieces हैं mountain के, उस mountain के, the pieces of the mountain thrown out from surface of the sun into the space. फिर क्या हुआ? And how do they come into existence? They came into existence by a wandering star that came near the sun and caused a tidal pull or a tidal wave on the surface of the sun. Next question जो सर जेम्स जीन्स इस में जो है वो उठा रहे हैं या टेक्स्ट बुक में है क्वेश्चन है, why is there no life on stars? सितारों पर जिंदगी का वजूद क्यों नहीं है? तो हमें सर जेम्स जीन्स ने यह भी बता दिया कि सितारे बहुत ज़्यादा गर्म हैं, हमने ये पढ़ा, लाइफ विल बर्न इन हॉट, टू हॉट, इमेंसली हॉट कंडीशन। तो सितारे गर्म हैं और वहाँ पर ज़िंदगी के लिए हवा और पानी और आग, तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो सितारों पर कोई ऐसी चीज़ वजूद में नहीं है, इसलिए देर इज़ नो लाइफ ऑन द स्टार्स। फिर वो बात कर रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ लाइफ, हाउ द लाइफ बिगिंस ऑन अर्थ, ज़मीन पर लाइफ शुरू कैसे हुई, ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो लाइफ बिगिंस फ्रॉम वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ, लाइफ एग्जिस्ट इन द नैरो बेल्ट्स। हम अभी अकरेंस ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहे थे कि ज़िंदगी का वजूद ज़मीन पर किस तरह से आया, किस तरह से हुआ। लाइफ नीड मॉडरेट टेम्परेचर, लाइफ हमने ज़िक्र किया कि लाइफ जो है वो वहाँ पर वाक़ होती है जहाँ पर लिक्विड स्टेट मौजूद होती है, यानी जलेगी नहीं और जमेगी भी नहीं। तो अब राइटर जो है वो आगे मज़ीद आगे बात बढ़ा रहा है और ये बता रहा है कि यूनिवर्स जो थी वो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग थी, उसके बहुत सारे वजूहात बता रहा है। उनमें से एक वजह स्ट्रेचेस ऑफ टाइम है कि वक्त बहुत ज़्यादा था, वक्त का फैलाव बहुत ज़्यादा था। फिर वो डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है कि डिस्टेंस इतना ज़्यादा था
कि कहीं और किसी चीज़ का वजूद नज़र नहीं आता था, कि ज़मीन सिर्फ वाहिद सियारा थी इतने सारे पीसीज में जो सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे थे, उनमें ज़मीन एक वाहिद सियारा थी जिस पर ज़िंदगी का वजूद हुआ और इसके अलावा कहीं और ज़िंदगी नहीं पाई जाती थी। इसी वजह से इंसान जो था वो लॉनलीनेस फील करता था कि वो तन तनहा है, कि खुदा ना खास्ता कि अगर दोबारा इस किस्म का कोई इवेंट दोबारा से रोनमा होता है, कोई किसी किस्म इस तरह का इवेंट जो है वो दोबारा से अकर होता है, तो उसमें जो है वो इंसान कहीं पर पनाह लेने के लिए नहीं जा सकता। इसके बाद वो लिटलनेस की बात कर रहा है कि बहुत छोटी है। हमें अभी थोड़ी जिक्र किया था कि सियारा जो है वो सिर्फ इतना है, जबकि स्टार उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। तो लिटलनेस है, बहुत छोटा है। ज़मीन की वो एग्जांपल दे रहा है कि ज़मीन किस तरह कितनी छोटी है, मिलियंथ पार्ट ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड, कि रेत के ज़र्रे का मिलियंथ हिस्सा, करोड़वां लाखवां हिस्सा जो लिया जाए तो बिल्कुल ज़मीन ऐसे ही है पूरे के पूरे आउटर वर्ल्ड में, स्पेस में। फ्रॉम सी सैंड ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की रेत इकट्ठी कर ली जाए, समुद्री रेत इकट्ठी कर ली जाए तो उसमें से मिलियंथ पार्ट आप निकालें तो वो इक्विवेलेंट है हमारी ज़मीन के, हमारी अर्थ के। आफ्टर दैट ही इज़ टॉकिंग अबाउट द ट्रैवलिंग ऑफ स्टार्स, सितारे ट्रैवल कैसे करते हैं। हम इंसान ट्रैवल करते हैं ग्रुप्स में, हम ग्रुप्स में जाना पसंद करते हैं। आपने बहुत सारी जगहों पर हर चीज़ जो है वो एक ग्रुप में, चिड़ियाँ उड़ती हैं, परिंदे, जो कुछ भी है वो सारे ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। लेकिन स्टार्स की ट्रैवलिंग के बारे में वो कह रहा है कि दे ट्रैवल ऑल अलोन, एक सितारा अकेला ट्रैवल करता है, वो किसी और दूसरे सितारे के साथ ट्रैवल नहीं करता। उसकी मिसाल कैसे दी जा रही है, उसकी मिसाल दी जा रही है लाइक अ शिप इन अ सी, एक बहुत समंदर है जिसके अंदर एक शिप जा रहा है, तो वो शिप जो है वो हमेशा अकेला होगा, उसका दूसरे शिप के साथ डिस्टेंस कितना होगा, मिलियन माइल्स का। यानी समंदर में एक शिप दूसरे शिप से मिलियन माइल्स अवे फासले पर जो है वो मिलियन माइल्स के फासले पर सफ़र करेगा। सितारे भी बिल्कुल ऐसे ही सफ़र करते हैं ताकि किसी किस्म का कोलैप्स ना हो सके, ताकि किसी किस्म की कोई ऐसा हादसा रोनमा ना हो सके। इन दो पॉइंट्स को लेकर हम दो क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाई दिस यूनिवर्स इज सो फ्राइटनिंग। ये जो यूनिवर्स है, ये जो कायनात है, हमारे लिए इतनी फ्राइटनिंग क्यों है, उसके रीजंस मांग रहे हैं। तो रीजंस क्या है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ द लॉनलीनेस इन द वर्ल्ड एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ द अर्थ इन दिस यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग टू अस। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो हाउ अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, तो इसका आंसर हम ये कह सकते हैं, स्टार्स नॉर्मली ट्रेवल्स अलोन, इट इज़ अ रेयर चांस दैट स्टार्स फाइंड एन अदर स्टार नियर इट। नॉर्मली दे ट्रेवल्स ऑल अलोन एंड विद अ मिलियन माइल्स ऑफ डिस्टेंस। इन दोनों क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के साथ हमारा ये एक लेसन जो है वो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इस लेसन में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को हमने डिस्कस नहीं करना, हमने सिर्फ इसके लेसन के ओवरऑल व्यू को डिस्कस नहीं करना। इसमें आपको सिनोनिम्स भी मिलेंगे, इसमें आपको जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप इन क्वेश्चंस को, अगर आप इस लेक्चर को गौर से देखें तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। That's all for today's lecture. Allah Hafiz.